श्री कृष्णा से दीनदी विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा अपनी किताब का क्या नाम है? रिमझिम स्वाध्याय पुस्तिका। मैंने आपको बताया है स्वाध्याय पुस्तिका किस लिए है बेटा? वेरी गुड, किस लिए है? क्योंकि हम इसमें से क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसलिए ये हमारी स्वाध्याय पुस्तिका है। और जिसमें से हम पाठ पढ़ते हैं, कविताएँ पढ़ते हैं, वो हमारी पाठ्य पुस्तक है। ठीक है बेटा, चलो पढ़ाई शुरू करें बेटा। तो बेटा हमने कौन सा पाठ अपना कंप्लीट किया था? बहुत हुआ कंप्लीट किया था। आज उसी का एक अभ्यास पूरक है। कौन सा है? काले मेघा पानी दे। कौन सा? काले मेघा पानी दे, दिख रहा है? तो इसकी कहानी तो मैंने, कविता तो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाई थी, है ना, लास्ट वीडियो में। तो आज उसके क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्या है? कविता में छूटे गए शब्दों को पूर्ण करो। क्या है बेटा? कविता में छूटे गए शब्दों को पूर्ण करना है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, काले मेघा खाली जगह दे, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? पानी। फिर पानी दे खाली जगह दे, खाली जगह में क्या लिखेंगे? गुड़धानी। फिर देखो बरसों खू खाली जगह छमा छम, तो यहाँ क्या आएगा? खूब। फिर देखो नाचे झमाझम, खाली जगह में आएगा मोर। खेतों से तक खाली जगह पे आएगा खलियानों। पर्वत से खाली जगह तक, खाली जगह में आएगा मैदानों। तो ये क्या बनेगा पूरा पैराग्राफ? काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब छमाझम, नाचे मोर छमाछम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक। समझ में आया बेटा? चलो अब इसी तरह दूसरा है। दूसरे में क्या है? भर दे सारे खाली जगह ताल तलैये, खाली जगह में आएगा ताल तलैये। गाय सब मिल खाली जगह में छमक छइए, क्या आएगा? छमक छइए। हमको नई खाली जगह में आएगा कहानी, फिर लिखाई हुआ दे। फिर सबको दे खाली जगह दाना पानी, फिर पानी दे खाली जगह जिंदगानी दे। फिर देखो खाली जगह में आएगा काले, फिर मेघा लिखा है खाली जगह पानी फिर दे। ठीक है, तो ये अपना पूरा कैसे बनेगा? भर दे सारे ताल तलैये, गाय सब मिल चमक छइयां, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है बेटा, ये वाला हुआ कंप्लीट फर्स्ट अपना। तो अब सेकंड है, देखो क्या लिखा है। सेकंड में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कैसे लिखने हैं? पहला प्रश्न क्या है? बच्चे काले मेघा से क्या मांगते हैं? बच्चे काले मेघा से क्या मांगते हैं? तो इसका जवाब आएगा, बच्चे काले मेघा से पानी और गुड़धानी मांगते हैं। क्या आंसर है? बच्चे काले मेघा से पानी और गुड़धानी मांगते हैं। बेटा प्रश्न लिखना है एक लाइन में, फिर उसके बाजू से आंसर ने स्टार्ट करना है। आंसर हमें नीचे की लाइन से लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन टू, बच्चे बादलों से कैसे बरसने के लिए कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा, बच्चे बादलों से बरसों खूब छमा छम छम बरसने के लिए कहते हैं। कैसे कहते हैं? खूब छमा छम मतलब जोर जोर से बरसो। क्वेश्चन तीन, झमा झम वर्षा देखकर मोर क्या करेंगे? इसका आंसर है, झमा झम वर्षा देखकर मोर छम छम नाचेंगे। क्या करेंगे? छमा छम नाचेंगे। क्वेश्चन चार, धरती का पानी, धरती का धानी रंग कहाँ कहाँ तक हो जाएगा? तो इसका आंसर है, धरती का धानी रंग खेतों से खलियानों तक और पर्वत से मैदानों तक हो जाएगा। क्या आंसर है? धरती का धानी रंग खेतों से खलियानों तक और पर्वत से मैदानों तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच, बच्चे बादलों से क्या भर देने के लिए कहते हैं? तो इसका आंसर है, बच्चे बादलों से सारे ताल तलैये भर देने को कहते हैं। ताल तलैये मतलब नदी नाले तालाब इस तरह, ठीक है। क्या आंसर है? बच्चे बादलों से सारे ताल तलैये भर देने के लिए कहते हैं। एक बार रिवीजन करना है प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन एक, बच्चे काले मेघा से क्या मांगते हैं? इसका आंसर है, बच्चे काले मेघा से पानी और गुड़धानी मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, बच्चे बादलों से कैसे बरसने को कहते हैं? बच्चे बादलों से बरसों खूब छमाझम बरसने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, छमाझम बरसते बादल देख मोर क्या करेंगे? झमाझम वर्षा देखकर मोर छमछम नाचेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, धरती का धानी रंग कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इसका आंसर है धरती का धानी रंग खेतों से खलिहानों तक और पर्वत से मैदानों तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे बादलों से क्या भरने को कहते हैं? बच्चे बादलों से सारे ताल तलैये भर देने के लिए कहते हैं। तो बेटा इसकी PDF भी मैंने आपको भेजी हुई है, और इस PDF भेजी हुई है, इसका आंसर आपको PDF में से और वीडियो में से देख के अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में कर लेना है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल के वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? चलो बच्चों, बाय, जय श्री कृष्ण।